नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। सनातन धर्म में हर एक पर्व का विशेष महत्व होता है। ऐसा ही एक महापर्व है महाकुंभ, जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। इस समय सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि देवभूमि में महाकुंभ का आगाज होने वाला है। 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और कुंभ मेला 30 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से लोग आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे और तब चारों दिशाएं हर हर गंगे के उद्घोष से गूंज उठेगी। तो ऐसे में ये जान लेना भी जरूरी है कि कुंभ क्या है, इसका इतिहास क्या है, महाकुंभ में क्या होता है, शाही स्नान क्यों किया जाता है। क्योंकि आज के आधुनिक दौर में और दौड़ भाग भरे इस जीवन में आज की पीढ़ी इन सबको भूलती नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ के रंग में रंग गई देवभूमि, चारों दिशाएं हुई भगवा में, हर हर गंगे के उद्घोष से गूंज उठी राज्य की आबो हवा, सज गई दुकानें, सज गए गंगा घाट, हरिद्वार की अलग है छटा, आत्मा परमात्मा के मिलन का महाकुंभ, अलौकिक महाकुंभ, अतुल्य महाकुंभ, अद्भुत महाकुंभ। भारत में हर तीज त्योहार और हर तिथि का अलग ही महत्व है। दिवाली, होली हो या गंगा स्नान, हिंदू धर्म में प्रकृति से जुड़ी हर चीज को विशेष माना गया है। इसलिए तो हिंदू धर्म में पावन गंगा को मां स्वरूप माना जाता है, संतों को पूजनीय माना गया है। हरिद्वार में इस बार महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। जी हाँ, महाकुंभ का नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसका इतिहास जानते हैं, इसका महत्व जानते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे महाकुंभ के बारे में। कुंभ मेला शब्द का अर्थ क्या है? समुद्र मंथन के बारे में आप जानते होंगे, बस यहीं से कुंभ का अर्थ जुड़ा है। कुंभ मेला दो शब्दों कुंभ और मेला से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया। मेला, जिससे हम सभी परिचित हैं, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। अमृत पाने के लिए देवता और राक्षसों की लड़ाई हुई और इस दौरान जहाँ जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उस जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। कितना पुराना है कुंभ का इतिहास? क्या 850 सालों से हो रहा कुंभ का आयोजन? देखिए, ग्रंथों के जरिए हमें पता चलता है कि किन चीजों का इतिहास कितना पुराना है। वहीं इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वो सम्राट हर्षवर्धन के समय का है। हिंदू शास्त्रों में कुंभ का इतिहास। शास्त्रों में बताया जाता है कि पृथ्वी का एक साल देवताओं का दिन होता है, इसलिए हर 12 साल पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि 144 साल के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए उस साल पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है। समुद्र मंथन से भी जुड़ा है महाकुंभ का इतिहास। कुछ कथाओं को आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सारे देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने की कोशिश में लग गए। समुद्र मंथन में अमृत निकालते ही देवताओं के इशारों पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। मंथन में कहां कहां छलका अमृत, और इसी दौरान मंथन से निकले अमृत का कलश हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर ही गिरा। इसलिए इन चारों स्थानों पर ही कुंभ मेला हर 3 साल बाद लगता आया है।
12 साल बाद ये मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है। चार स्थानों पर क्यों होता है कुंभ मेला? यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं चार स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ को चार हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयागराज में, और फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में, और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। किन दिनों होगा शाही स्नान? इस बार पहला शाही स्नान 11 मार्च शिवरात्रि के दिन पड़ेगा, दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या के दिन पड़ेगा, तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल मेष संक्रांति पर पड़ेगा और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को बैसाख पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। कुंभ मेला 2021 का शुभ मुहूर्त और तिथि। पहला शाही स्नान 11 मार्च महाशिवरात्रि, दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या, तीसरा मुख्य शाही स्नान 14 अप्रैल मेष संक्रांति, चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल बैसाख पूर्णिमा। इसके अलावा अन्य स्नान 13 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदी नव वर्ष, 21 अप्रैल रामनवमी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वाली इंडिया।